कहाँ तमाशा है कुसिया? कहाँ? हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। और तुमने कछु नहीं किया तो हमारे चेहरे पे चश्मे लग गए का? जब से शिवम की शादी हुई है भटक रही हो तुम, बहुत भटक रही हो, और वहाँ फेरे में भी बत्तीस ही दिखा रही थी, सब कुछ देखा हमने। हाय अम्मा जी, काहे ऐसा बोल रही हो? ऐसा कछु ना है। ऐसा नहीं तो कैसा है? हमने कोनो खुशी से शिवम की शादी के लिए हाँ नहीं कहा था है? हमें भी बड़ी तकलीफ हो रही है हमारे अमितवा के लाने। मैं बस बता रहे हैं सबके लाने, हम शिवम को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि अब तुम्हारी बहू आ गई तो तुम सब पे रोप झाड़ोगी? सोचना भी मत, अभी तक सरके नहीं हम ऊपर। अरे रहने दो ना अम्मा, रहने दो ना। जब बोलना चाहिए था तब तो बर्फ बन के खड़ी हो गई थी चुपचाप, और हमें दिखाने के लिए काहे बेचारी बाबी पे जबरन चिल्ला रही हो? अब तुम हमें दोष दे रही हो अपनी अम्मा को? अरे जो देखा है वही बता रहे हैं हम तो। वैसे भी सब इतने नसीब वाले थोड़े होते, और हम तो जन्म के ही नसीब वाले नहीं है। नहीं, 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 इतनी बेइज्जती करा के जीने से कोनो फायदा है का? हम तो अभी आग लगा लेते अपने आप को, परेशान हो चुके हैं। अरे क्या बोल रही हो जी जी? अरे नहीं, हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। तंग आ गए। अरे कुछ नहीं, माचिस कहाँ रखी है? यहाँ माचिस। जी जी माचिस ठीक है, तुम्हें ढूंढ के दे दो, अभी तुम्हें आग भी लगा देना, हमारा काम कम हो जाएगा और हमारा काम खत्म भी हो जाएगा। लाओ लाओ माचिस कहाँ है? नहीं नहीं ठीक है, मत दो माचिस, हमारा कहाँ है? गैस तो है, हम गैस सूख के जान दे देंगे ना, उससे तो नहीं रोक सकता है कोई हमें, नाक तो है हमारी, वो तो नहीं छुपा सकते हो। लाओ लाओ नहीं खोलो, क्या कर ले? हम कहते हैं खोलो हटो। देखिए गोपाल जी, आपको एडवांस मिल ही चुका है, लेकिन जो बाकी का 1800 रुपया है वो आप पापा से ले लेना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब गोपाल जी मैं एक फोन कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, लीजिए। पक्का ना? थैंक यू। चिल्ला क्यों रही है? धीरे बोलना। मम्मी थोड़ा धीरे। हेलो शिवम बोल रहा हूँ। अब कहाँ से कॉल कर रहे हो? तू वो सब छोड़, तू ये बता घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस आगे मौसम में ये गर्मा गर्मी के आसार लग रहा है। क्या बोल रही है तू? एक तो रिया का ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, आपकी मुसीबत का तो अच्छे से ख्याल रखेंगे। कौन मुसीबत? भाभी कोड वर्ड। लो भैया से बात करो। अच्छा हाँ करो, हम भी सुन रहे हैं, करो। हेलो हेलो, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे क्या होगा? नहीं वो बस तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ तुम भी। अच्छा मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। नहीं इतनी जल्दी और बात कर लो। क्या कह रहे थे तेरे बच्चे? कुछ नहीं। हाँ हाँ कह रहे थे कि आवाज सुनने का मन कर रहा है। अच्छा बहुत रोमांटिक है तेरे बच्चे, तुम बहुत किस्मत वाली हो सच में। अरे होंगे ना हमारे भैया। बातचीत हो गई हो तो हम बजा लें थोड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। चलो जी। देखो जी देखो 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 जी देखो देखो कौन आया इस घर में इस आंगन में, भाई तुम भी देखो। खुश रहो तुम दोनों सास बहू। दादी का बस दिमाग में दीमक लग गया है का? अच्छा बाहर बैठे हैं, दिमाग से ही काम ले रहे हैं अम्मा। बस रोज रोज अपमान के रास्ते से गुजरने से अच्छा है कि बस हमें एक ही बार में गुजर जाए, खत्म हो जाए। दीदी बस करो। दीदी क्या कर रही हो? इसे पानी दे, पानी दे। हमें कोई पानी में नहीं पीना, बस हमें बेइज्जती से नहीं जीना है, हमें एक बार मर जाने दो, बस इज्जत से स्वर्ग में जीना चाहते हैं बस। पानी
अब खुश है ना? है खुशिया? कर दिया माँ बेटी में कलेश। नारद मुनि का खेल रचा है तूने। हम बता रहे हैं, तू भी सब भुगतेगी। का हिसाब दे रहे हो अम्मा जी? का किया है हमने? तुम्हारी दुई दुई बिटिया है, हैं? एक ना ही दुई बिटिया है और अब तो बहू भी आ गई है घर में। जो परपंच तुमने हमारे और हमारी बिटिया के साथ किया है ना, वही फिर के घूम के आएगा तुम्हारे पास। अम्मा जी भगवान के लिए इसरा अपराध हो। आपको क्या लगता है हमको कुछ पता था? कर रिया और शिवम के बारे में कुछ नहीं पता था हमको? हम तो बस हमने बताया तब तो पता चला ना, तब काहे मना नहीं किया? काहे तीन छाप नहीं दिए मुंह पे? काहे कहा नहीं कि कि तू शादी करेगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे? अम्मा जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तब हम तो बस ऐसे ही खड़े थे बुत बनकर वहाँ। अरे बोल देती कि तुम्हारे भाई बुआ और फूफा जी की इज्जत का सवाल है, अगर तुमने शादी की तो हम तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर बोल देती तो शादी नहीं करता ना वो। अमित की जगह शिवम होता तो क्या करती तू? हाँ कैसी तकलीफ होती? अम्मा जी सालों से हम रह रहे साथ, आपको पता है हमने कोई भेद नहीं किया शिवम और अमित ने, आप सब साक्षी है इस बात के। अरे रहने दे, हमारी सरला तो सरल है तो इस रिश्ते के लिए मान गई है, वरना तू तो हमेशा एक टांग पर खड़ी रहती है हमारी सरला की खुशियों का गला घोटते के लाने। अरे हमें कुछ नहीं मालूम है, जो करना है करो, लड़ो मरो दोनों सास बहू करो, हमें जाने दो, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। सरला अब खुश हो गई तो आशा खड़ा करने में बहुत मजा आता है तुम्हें। कहा बोल रही हो अम्मा, तो चुपचाप खड़े आपके सामने। अभी तेज हुए मत पड़ा, तुम्हारा अभिनय कौशल नहीं देखना है हमें। नाश्ता चाय लेके आ सबके लाने। भगवान रक्षा करना, भगवान क्या हो रहा है इस सब आज के दिन में? भगवान और कितना इंतजार करना पड़ेगा भाभी, घर में दो दो शादी हो गई और हमें एक का भी नेक नहीं मिला। अम्मा जी अरे आपके तो नाती और पोते दोनों की शादी हुई, हमें तो डबल नेक मिलना चाहिए। चैन से बैठने नहीं देगी जब तक नहीं देते मुझे। ले ले 500 रुपये। सिर्फ 500 रुपये? तो क्या करे बिंदु रानी, कि शांति सदन तुम्हारे नाम कर दे है? जा जा बिट्टो रानी, जा अपने पापा को बुला के ला और बोल घर के कागजात भी लेके आए, इस शांति सदन बिंदु रानी के नाम करना है। देख रही है बिटिया? अरे घर गृहस्थी के पाठ पढ़ ले हैं, समझ ले। इस शादी में तो ऐसा ही होता रहता है। बिंदु जो है ना, वो तुम्हारी बुआ सास की ननंद है। अब बिना तमाशे किए इसका खाना ही हजम नहीं होता है, कब से पीछे पड़ी है। नेक दे दो, नेक दे दो, नेक दे दो। कहा है तुम्हारे बाप ने हमें लिफाफे दिए थे सबको देने के लाने, अब पीछे ही पड़ी है। बोला दे देंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं, पर गाना ही का खत्म ही ना ही होता है। समझ में नहीं आता कहाँ बिंदु है, नेक में भावनाओं का महत्व होता है, पैसों का नहीं। बस इसकी तो लारी टपक जा रही है, पैसे दो पैसे दो। अरे जरा सोच इन लड़कियों को कितनी तकलीफ हो रही, कितनी परेशानी हो रही है। देखो सब इतने परेशान है बट नहीं है, ऐसे दो पैसे दो पैसे तो गाने ही बन नहीं होती। क्या अबे हो गया हिसाब? जी पापा। अच्छा एक बात बताओ, फोन कहाँ है तुम्हारा? इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए यहाँ तक पैदल चल के आना पड़ा है?
वो पापा मुझे 1800 रुपए देना था ना, तो वो मैंने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं आप दे दीजिए, मैं दे दूंगा उन्हें। वो तो हम दे ही देंगे, पर तुमसे जो पूछ रहे हो उसका जवाब तो दो, फोन कहाँ है तुम्हारा? वो क्या ना कि पापा कल विंडो से भागते वक्त मोबाइल गिर गया। भैया ये बकायती और गुंडाई जो है हमसे तो परे है बिल्कुल, इतने साल की सर्विस में हमारा कभी पाला नहीं पड़ा है, जरा संभल के रहो, ये दे देना। जी सुनो जी, ये फोन कितने का आएगा तुम्हारा, ढंग का कोई? नहीं पापा हम मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। आप कैसे हो जाएगा भाई, शादी शुदा हो, नौकरी लगी हुई, हाथ में फोन तक नहीं, अच्छा लगता है का? बताओ कितने का? वैसे तो कई किस्म के फोन आते हैं। सुनो ये रखो 5000 है, और दे दे। नहीं बहुत है, इसमें आ जाएगा, अच्छा वाला आ जाएगा। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं जरा वो स्वामी जी के यहाँ पर, तो वहीं से घर लौटेंगे सीधा। अच्छा पापा अगर आप कहते हैं तो मैं आपको गोस्वामी जी के घर तक छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं से जा रहा हूँ। हाँ चलो फिर, हाँ छोड़ दो। भगवान सुनो जी, एक बात कहना चाह रहा है तुम्हें बेटा जी, हाँ जरा ध्यान से सुनो। शादी हो गई तुम्हारी, ये जो रात रात को रात बेरात जो परेशान मची रहती है तुम्हारी ना, जरा बंद करो। हाँ जी, वक्त पे घर आया करो, ये जो अपनी निशाचरी प्रवृत्ति है लगाम दो इसको, वैसे ही तुम्हारे साथ ये पता नहीं ये का किडनैपिंग अपहरण वपहरण का चलता रहता है, जरा डर लगता है इसे। चलो भाई। जी पापा। स्टार्ट हो जाएगी तुमसे हम मारे के, कोशिश करते हैं। देखो अम्मा जी, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो हमारा लिफाफा चाहिए बस। दे रहे हैं लिफाफा, उसके बाद ही गाना बंद कर देना है। इतो रानिया निकाल ये बिंदु रानी का लिफाफा, मारे हम उसके मुंह पे। ये ना बुआ का और ये बाकी के। ये क्या लिफाफे के ऊपर जो सिक्का था वो तो कोई नोच लिया। लिफाफे में सिर्फ एक रुपया और वो भी लगता है लिफाफे का था। अम्मा जी लिफाफे में हवा भर के लाई नेक में। दिखा देख अंदर होगा। देखो कैसा तमाशा किया, हमारा तमाशा बना के रख दिया। अरे हम कोई नौटंकी है क्या, एक रुपया लिफाफे में डाल के कोई देता है क्या? बोलो तो कितना बड़ा अपमान किया हमारा। अरे चिची जूता ही मारना था ना तो शादी में नहीं बुलाना चाहिए था, इतना अपमान कराना था हमारा चिची आपको? अम्मा हम कोई नौटंकी है का, हमारा नौटंकी बना रही हो? अरे इकलौती बुआ है आप, अरे आपको तो हम पर नेक से लात देना चाहिए था, हमारा अपमान कर दी इस तरह। नहीं चाहिए हमको ये लिफाफा, नहीं चाहिए नेक हमको। हाँ सरला ये तो बहुत गलत बात है, अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो समझ आता है, चलो कोई दिक्कत हो गई नहीं दे पाए, पर एक रुपए का मतलब ये तो अपमान ही है ना। भाभी को आए हुए आधा दिन भी नहीं है और तमाशा शुरू। चलो मम्मी गए तो तलवार नहीं है। रानी रिया तुम लोग बेटा चलो आराम कर दो, चलो चलो आराम कर लो थोड़ा। रुक कुसिया, बाद में आराम कर लेंगे, पहले बिंदु से तो निपट ले,
आराम ही आराम है। बेचारी नई बहू को कितना तमाशा देखना पड़ रहा है। ये किस नेक की बात कर रहे हैं? तेरे बोल बेटा, वो बुआ और उनके ननद के बीच की बात है, वो लोग समझा समझ लेंगे बेटा, तुम चल चल। डटी रह खुशिया, नई बहू से ज्यादा चिपकने की जरूरत ना आई। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि ये लिफाफा हमारी बहू के घर से नहीं आया और ना इसके अंदर के पैसे हमारी बहू के घर से आए हैं। नहीं, हम भगवान की कसम खा के कह रहे हैं कि ये लिफाफा तो खुशिया भाभी की बहू के घर पे द्वार चार में मिला था।